तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी का सबसे पॉपुलर शो है। सालों से लोग इस शो के दीवाने हैं। वहीं इस शो ने नए चेहरों को पहचान भी दी और आज तारक मेहता के सितारों को लोग दिल से प्यार करते हैं। बच्चे से लेकर बड़ा तक हर कोई इस शो को देखता है, लेकिन बीते दो सालों से शो किसी न किसी विवाद में फंसी जाता है। लेकिन इस बार शो नहीं बल्कि शो का एक पॉपुलर किरदार बुरा फंस गया है। तो कौन है वो और किस लिए विवाद हो रहा है, चलिए इस वीडियो के जरिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का न्यूज़ोन पोस्ट में, मैं आपके साथ पुनः। सबसे पहले आपको बता दें कि इस पॉपुलर शो में सोनू जो कि भीड़े की बेटी है उसका किरदार पलक सिद्धवानी निभा रही है। वहीं अब पलक को मेकर्स ने लीगल नोटिस भेज दिया है। अब वो क्यों भेजा है, दरअसल पलक पर मेकर्स ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच का आरोप लगाया है। नोटिस में लिखा है कि पलक ने एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट के कई नियमों से खिलवाड़ किया है जिससे प्रोडक्शन कंपनी को काफी नुकसान भुगतना पड़ा है। इस नोटिस में ये भी लिखा गया है कि चेतावनी देने के बाद भी पलक ने यह सब जारी रखा जिस वजह से मेकर्स को मजबूरी में एक्शन लेना पड़ा। वैसे आपको बता दें कि पहले तो पलक लीगल नोटिस को एक अफवाह बता रही थी, लेकिन मेकर्स ने पलक की गलतफहमी को दूर करके उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया है। इसके बाद पलक ने इस नोटिस का जवाब भी दिया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पलक इस शो को अब छोड़ देंगी। वैसे बता दें कि मेकर्स ने लीगल नोटिस के साथ ही एक्ट्रेस से मुआवजे की भी मांग की है। खैर इस मामले पर पलक सिद्धवानी ने रिएक्ट करते हुए कहा कि मैं शो अपने हेल्थ कारणों और प्रोफेशनल ग्रोथ के वजह से छोड़ना चाहती हूँ, इसे लेकर मैंने कई सारी मीटिंग की लेकिन कोई हल नहीं निकला, ये शोषण है और 5 साल काम करने के बाद मैंने ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि मेकर्स शो से उनका बाहर निकलना मुश्किल कर रहे हैं, यहाँ तक कि एक्ट्रेस ने मेकर्स पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। तो इस बात से ये तो पक्का हो गया है कि अब पलक सिद्धवानी यानी कि ऑन स्क्रीन सोनू शो छोड़ सकती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।